अगर हम इतिहास के गर्भ में जाएंगे, अतीत को खोजेंगे, गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे, बहस भी लंबा चलेगा, बात विवाद भी लंबा चलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि ज्यादातर हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया है। इस संबंध में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध मठ था और बाद में यह बद्रीनाथ मंदिर बन गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है। इसलिए तो हमने कहा था कि किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथा स्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया, यही सच है। इससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर ASI सर्वे हो ही रहा है तो वो सिर्फ ज्ञानवापी का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं पहले उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनसे अधिकांश मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, उन्हें तोड़कर हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। मौर्य ने कहा कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जाएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, इसलिए 15 अगस्त 1947 तक जो स्थिति थी उसे ही माना जाए। वो एक मांग कर सकता, दूसरा क्यों नहीं मांग कर सकता। सभी को न्यायपालिका में जाने की छूट है, सभी न्यायपालिका जाएंगे। इसलिए बात लंबी न हो, आपसी सौहार्द न बिगड़े, भाईचारा बना रहे, सभी धर्मों का सम्मान रहे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन की हालात को यथावत बनाए रखने में लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए।